ये पहाड़, ये हवा, ये दरिया, ये रास्ते, इनसे सिर्फ खेलता हूँ मैं। अगला मुकाबला इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान डिबेट कंपटीशन, आजाद कश्मीर की तरफ से हमारी शीरी जाएगी। जी नहीं, कोई नहीं जाएगा। मेरी छत के नीचे गुनाह हो रहा हो और मैं बर्दाश्त करूं? चाचा, इस होटल की आधी छत मेरी भी है। शोर मत मचाना, समझे? Enjoy your stay. उसने मना कर दिया और आपने हाँ कह दी तो उसे बुरा लगेगा ना? अम्मी, उनका मना करना बनता ही नहीं है। अब उसने मना कर दिया है तो क्या किया जा सकता है? अप्पा जी, मैं वहां सैर सपाटे करने थोड़ी जा रही हूँ। पूरा कॉलेज मेरे साथ जा रहा है, जरमीन होगी, अब टीचर्स हैं मेरे साथ। अपने काम के लिए जा रही हूँ मैं, एक तकरीरी मुकाबले के लिए। अपना रिश्ता खराब करोगी तुम? ये बात आप उनसे भी तो कह सकती है ना अम्मी। ये सब तुम सिखा रही हो ना इसको? मेरा क्या लेना देना, कल को वहां जाके फर्स्ट आएगी, आपकी इज्जत होगी, आपका नाम होगा। और तुम्हारे सैर सपाटे? अब्बा जी, जमीन का जाना जरूरी नहीं है इतना, आप भी जा सकते हैं मेरे साथ। तुम दोनों में लड़ाई करवाओगी, वो सिर्फ मंगेतर नहीं है, भतीजा भी है इनका और कारोबार में शरीक भी। खुदा ना करे कल को इनको कुछ हो जाए तो वही तुम्हारा वाली वारिस है। देखो भाई, इस बार तो जो होना था वो हो गया है, आइंदा अगर तुम्हें किसी बात की इजाजत की जरूरत हो तो मेरे कमरे में आ जाया करना, अकेले में मुझसे पूछ लिया करना। अब और किस बात की इजाजत लेनी है मैंने अब्बा जी आपसे? 2-4 महीने ही रह गए मेरी पढ़ाई में, बाकी हर चीज पर तो मेरी पाबंदी उन्होंने लगा ही दी है, यहाँ तक कि मेरे उठने बैठने ओढ़ने पहनने खाने पीने तक से, मेरी सहेलियां तक कट गई हैं मुझसे अब्बा जी। सब मर्द ऐसे ही करते हैं, पूछो अपने बाप से, क्या इन्होंने मुझ पर पाबंदी नहीं लगाई थी? एक इज्जतदार गैरतमंद मर्द ना कोई पाबंदी जरूर लगाता है, वरना घर और होटल में कोई फर्क ही ना हो। यहाँ क्यों आई हो तुम? इसे मैं लाई हूँ, अकेली थी, यहाँ आ नहीं सकती थी ऐसे, तो सोचा ऐसे भी ले। जरूरत क्या थी तुम दोनों को यहाँ आने की? मालूम नहीं था मुझे कि तुम्हारी नाक फारूक के साथ रह रहकर इतनी ऊंची हो गई। ये बेचारी तो तरसती है तुमसे बात करने के लिए, हीरो के साथ भी ना मैं ही लेकर आई थी इसे, बस यही बताने आई हूँ तुम्हें। अच्छा, जाओ तुम दोनों यहाँ से। नहीं, और कुछ कहना पड़ेगा यकीन दिलाने के लिए? कसमें वसमें तो नहीं खानी मुझे? I'm sorry.
चलो श्री। जरमीन चलो, मैं वेट कर रही हूँ, आ जाना। दर्द मोहब्बत तुमसे मिला है जीना नहीं आसान, दर्द मोहब्बत तुमसे मिला है जीना नहीं आसान, प्यार के वादे झूठे सारे तुमको गए पहचान। कहाँ गई थी उसे लेकर? बता बता, मैं तेरी खाल उधेर दूंगी। बता, बोल बोल, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बता कहाँ गई थी उसे? अम्मा बताया तो है, पुल पर गए थे दरिया में चांद देखने। सच 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 बता, सच बता। अम्मा सच कह रही हूँ। याद रखना, इस घर की इज्जत के लिए मैं तुझे जान से मार दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तेरा काम तो बन गया, क्या मस्त आइडिया आया मुझे। तू अंदर पिट रही थी या आइडिया लड़ा रही थी? यार ये तो आज पता चला मुझे कि जब मैं पिटती हूँ ना, मेरा जो दिमाग है ज्यादा तेज चलता है। आइडिया आइडिया फारूक की माँ, ये मुलाजमा कहाँ चली गई है? वो अब आपने चाय बनाने भेजा था आई गेस। अरे तुमने तो अपनी सारी रंगत खराब कर ली है पढ़ाइयां कर करके। आखिर कब खत्म होगी तुम्हारी पढ़ाई? फारूक कह रहा था अभी 2-3 महीने और बाकी हैं। नहीं, अभी तो 4 महीने रहते हैं एग्जाम्स होने में। खत्म करो भाई अपनी पढ़ाई, मुझे निजात दिलाओ इन गैर औरतों की मोहताजी से।
तुम्हें पता है कितनी दफा तो ये धूप निकलनी पड़ जाती है मुझे। बेटियां अपने अपने घरों की हैं, उन्हें अपने शोहर और बच्चों से ही फुर्सत नहीं है। अरे मेरी फिक्र क्या करेंगी। बीबी जान, आपको पता है कि शीनी जो है मुकाबले की तकरीर में फर्स्ट आई है। ये देखिए इनाम मिला है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगला मुकाबला इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के चारों सूबों से लोग आएंगे और आजाद कश्मीर से आपकी बहू जाएगी। बीबी जान, अगर मुकाबला जीत गई ना तो इससे अच्छी ट्रॉफी मिलेगी और पूरा 1,00,000 रुपए इनाम मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन कैसे खुशी, फारूक भाई तो जाने नहीं देंगे ना। फारूक जाने नहीं देगा, मगर क्यों? शीघ्र तुम अगली बात खुद ही समझा देना। आए ला, ये खांसी तो मेरी जान लेके रहेगी। शहद ला दूं आपको? जर्मीन, जर्मीन, आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो आपके लिए चाय ला रही थी। अरे नहीं नहीं, वो आपने जर्मीन को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे तो नहीं पता। क्या हुआ? गिर गई थी। गिर गई थी? कहाँ से? सीढ़ियों से। और कहाँ से? अरे देखो कोई हड्डी बड्डी तो नहीं टूटी इसकी? सब कुछ ठीक है, हमें घर जल्दी पहुंचना है, तुम गाड़ी चला। चलो जमीन।
गुलनाज पता नहीं किधर मर गई है। वो लड़कियां आई थी, किधर है, बुलाऊं उन्हें? घर भेज दिया उनको। घर भेज दिया? अरे बेटा चाय तो पीने दी होती उनको। चाची परेशान हो रही थी, मगर बताया आगे थी इसलिए भेज दिया उन्हें। जाहिर है बताकर आती तो उन्हें आने कौन देता। हीरो गाड़ी रोको, गाड़ी रोको प्लीज जल्दी। अरे मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको, साइड पे लगाओ, जल्दी करो, आराम से, आराम से मेरी जान, बस बस आगे आगे आगे, बस रुको 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 रुको, आराम से आराम से। कैसे तुम्हें पता है कि वो क्यों आई थी? पता है मुझे। तुम्हारी तरफ से मैंने उसे इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी है। तुम्हें मेरे लिए दूसरी लड़की भी ढूंढ लिया। इतनी सख्ती भी ठीक नहीं होती बेटा। अरे कहा ना, मेरे लिए दूसरी लड़की भी ढूंढ लिया। अपनी माँ की जबान का पास भी नहीं रखोगे? एक शर्त है मेरी, उसे इस्लामाबाद मैं खुद लेकर जाऊंगा। पता है क्या बोल रहा था मेरे बारे में? बोल रहा था मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये जो तुम मुझे आंखें दिखाती रहती हो, झुका दूंगा इन्हें। ये जो तुम मेरे सामने जुबान चलाती रहती हो, हमेशा के लिए बंद कर दूंगा इसे। मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी गलीज हरकत कर सकता है मेरे साथ। बताए तो मैं, मेरी जुबान बंद हो गई थी, आवाज यहां फंस गई थी,
चीख भी मारना चाहिए लेकिन मैं नहीं मार पाई। वो अपने आप को ऐसे बचाने की कोशिश कर रही थी जैसे इंसान पानी में गिर जाता है और खुद को बचाता है। मैं तुम्हारी सगी बहन होती तो वो ऐसी कोशिश नहीं करता ना। जानवरों को क्या पता रिश्ते क्या होते? तुम्हें नहीं बता सकती शीरी कि वो क्या क्या बोल रहा था मेरे जिस्म के बारे में, मेरे किरदार के बारे में। हारून, फरहान, कैसर, पता नहीं किस किस के नाम मेरे साथ ले रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठना ठीक बात नहीं, इसको अस्पताल लेके जाना चाहिए, ये उल्टी करना खतरे की बात है। तुम परेशान मत हो, तो कितनी देर बैठोगी तुम लोग यहाँ? तुम्हें जल्दी है? मैंने यहाँ बैठ के क्या करना? बैठने के पैसे दे देंगे तुम। पैसों की बात नहीं लेकिन यूं इस तरह यहाँ पे खामखा बैठे हैं। खामखा नहीं बैठे हैं हम लोग यहाँ। तुम्हें जाना है तो चले जाओ, हम लोग आ जाएंगे खुद किसी ना किसी तरह। चला गया? हाँ चला गया। उसने कोई और सवारी उठानी होगी या शर्त लगा रखी होगी। अब हम कैसे जाएंगे? चले जाएंगे, पहले जाने के काबिल तो हो जाएं। सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं बैठ सकते ना। कैसी बातें कर रही हो जमीन? तुम हार के तो नहीं आई हो ना? अपनी इज्जत तो बचा ली लेकिन बहुत कुछ टूट गया है मेरा। क्या क्या टूट गया? मेरा ख्याल था कि तुम्हारी शादी के बाद मेरी उससे बहुत लड़ाई होंगी तो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देगा और मैं तुमसे मिले बगैर रह नहीं पाऊंगी। मगर अब क्या मेरी जान, क्या रिश्ता, कौन सी लड़ाई? मुझे तो उसकी शक्ल भी उसकी माँ के उगलदान से ज्यादा गलीस लगती है। मैं अब वो शक्ल दोबारा नहीं देख सकती शेरी, ना वो गलासत भरी आंखें देख सकती हो, ना वो बदबूदार आवाज सुन सकती हो। मुझे उस ऊंट की खुशबू से भी उल्टी आ रही। वही जो अब्बा जी हद से वापसी पर लाए थे उसके लिए। आज वही लगाई हुई थी उसने। और मैं कैसे मिलूंगी उससे? तुम ये नहीं सोच रही? तुम्हारी तो किस्मत में लिखा है। नहीं जमीन, मैं भी उस गालदान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं भी नहीं देख सकती उसकी वो मुर्दार सूरत, वो खबीस आंखें। वाकई उसकी माँ के थूके हुए उगालदान से ज्यादा गलीज है वो। नहीं सरमीन,
मैं भी नहीं रह सकती उसके साथ। बस उसकी शादी कर दो साजिदा, बांध दो उसको उस लड़के के साथ, वरना जिस तरह वो छलांगे मार रही है ना, ना तुम्हारी नाक बचेगी ना हमारी। उसे किसके साथ बांधना है, कब बांधना है, इसका फैसला भी तो आप और भाई साहब ही करेंगे ना। तुम जानती हो ना फारूक कितना सख्त आदमी है, कई बार इशारे दे चुका है मुझे। इस घर की इज्जत उसकी जान से बढ़कर है, आप उसका गला घोंट दें, टांगे तोड़ दें उसकी। आपने पाला पोसा है ना, इसका इख्तियार भी आपको है। नहीं बहन, हमने उसे पाल पोस कर अपना फर्ज पूरा किया, अब तुम उसको रुखसत करकर अपना फर्ज पूरा करो। कहां गई थी तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूं कहां गई थी जरजान का कहके। देखो मुझसे झूठ मत बोलना, मैं सारा मोहल्ला देखकर आई हूं। बोलो जवाब, कहां गई थी तुम इसको लेकर, बोलो। जवाब चाहिए आप दोनों को? मैं देती हूं जवाब। बताओ जमीन, दोनों आप जवाब बताओ, कहां गई थी तुम मुझे लेकर? लेके गई थी इसको बदबख्त? बीबी जान के घर। मैं गला घोंट दूंगी तुम्हारा, सच सच बताओ। आप उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेती? वहां क्यों गई थी तुम? शादी से पहले तुम अपने ससुराल कैसे जा सकती हो? आखिरी बार गई थी, अब मर जाऊंगी लेकिन वहां कदम नहीं रखूंगी मैं। यकीन करें मेरी बात का अम्मा, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही थी उससे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सब। अगर मैं ना पहुंची होती ना वहां, तो उसे बर्बाद कर चुका होता। उसको बचाकर तुमने खुद को बर्बाद कर लिया है। क्या मतलब क्या है इस बात का? तुम बहुत सादा हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम उनकी मस्ती को भी लड़ाई समझी होगी। अम्मा मैंने बचपन से पाला है उसको, गोद में खेली है वो मेरे, जानती हूँ उसको मैं।
आप फारूक की खिलाफत जमीन पे डाल रही हैं। यही खिलाफत वो अपनी मर्जी से हारून के साथ करती है। खुदा का खौफ करें अम्मी, खुदा का खौफ करें, बेटी है वो आपकी। मेरी बेटी होती ना तो मैं उसका गला दबा देती। अच्छा लग रहा है जब तुम मार रही हो। इसकी गंदी नीयत ने मुझे जहां जहां हाथ लगाने की कोशिश की। तुम उसी जगह मार रही हो ना तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बस कर। बहुत अच्छा लग रहा है। मारो मार मारो, अच्छा लग रहा है मुझे। बस कर, बस चुप। ये बात मुंह से ना निकाल। अरे हम मुलाजिम है इस घर के, खादिम है इनके। इनके इतने बड़े बड़े एहसानात हैं, पर इतने बड़े कि उसके सामने इतना बड़ा गुनाह भी बहुत छोटा लग रहा है। इतनी सी थी तू, इतनी सी थी तू जब मैं बेवा होकर इस घर में आई थी। ये कद तूने ना इस घर में निकाला, इन्होंने टुकड़े नहीं अपने मुंह के नवाले खिलाए हैं तुझे। तेरी इज्जत कुछ भी नहीं है इस घर की इज्जत के सामने। अम्मा खामोश, बस ये इस घर की इज्जत का हक है तुझ पे, चुप रहना। उस तरफ, उस तरफ चलो। तुमसे तुम्हें बात नहीं करना चाहता, चलो। तुम आओ इधर, सामने आओ, सामने आओ, तुम बड़ी हो, आओ। जी अब्बा जी। खबरदार अगर मुझे अब्बा जी कहा तो। मुझे अब्बा समझती तो मेरी इज्जत इस तरह खाक में ना मिलाती। शर्म, हया, इज्जत, गैरत, किसी चीज ने तुम्हारा रास्ता नहीं रोका। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा जी आपको गलत बताया किसी ने, झूठ बोला आपसे किसी ने। तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन पापा जी सब कुछ मेरे सामने हुआ है, मैं गवाह हूं इस बात की। देखो 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 किस ढिटाई से बोल रही है ये। इस्लामाबाद जाने का इतना शौक, बेशर्मी की सारी हद ही पार कर गई तुम। लेकिन अब्बा जी जो कुछ भी हुआ है इसमें कसूर इसका है ही नहीं। सब इसी का कसूर है।
मुझे पता है तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा ये साथ न दे, ये तुम्हारा हाथ ना पकड़े, ठीक है? अब वही होगा जो तुम बीबी जान से कहकर आई हो। जुबैदा, मैंने हां कर दी बीबी जान को, इतवार को इसकी शादी है, ताकि ये पीर को अपने शौहर के साथ इस्लामाबाद जा सके तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए। पापा जी, मैंने कहा ना कि जो तुम वहां कहकर आई हो वैसा ही होगा। अब अब्बा जी, मैंने ऐसा बोला क्या है? जो तुमने कहा है ना वो मैं दोहरा भी नहीं सकता। लेकिन मैं तो सिर्फ सिफारिश करवाने गई थी इस्लामाबाद जाने की। तुम्हारी बेटी बीबी जान से कहकर आई है कि फौरन इसकी शादी कर दी जाए, ताकि ये अपने शौहर के साथ जाए इस्लामाबाद तकरीरें करने। ये झूठ है अब्बा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो झूठ बोलेगी, वो औरत झूठ बोलेगी जिससे लोग दुआएं करवाने आते हैं।